हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। अनन्या पांडे की कजिन सिस्टर अलाना पांडे ने बॉयफ्रेंड आइवर मैक्री के साथ शादी रचा ली है। कपल की शादी में फैमिली के अलावा कई बॉलीवुड सेलेब शामिल हुए थे। वहीं आइवर की वेडिंग में पत्नी गौरी खान के साथ शाहरुख खान ने भी शिरकत की। अब इस वेडिंग सेलिब्रेशन से एक वीडियो सामने आया है जिसमें शाहरुख खान और गौरी खान डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शाहरुख खान ने फैन पेज पर शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि किंग खान ब्लैक सूट और व्हाइट शर्ट में नजर आ रहे हैं। गोल्डन गाउन में गौरी खान बेहद ग्लैमरस लग रही हैं। दोनों एपी ढिल्लों के गाने पर डांस कर रहे हैं। वहीं अलाना पांडे की माँ डियाना पांडे भी कपल का साथ दे रही हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सर्कल बनाकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में अनन्या पांडे और अन्य लोग भी डांस करते हुए देखे जा सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें अनन्या पांडे के भाई अहान पांडे कजन अलाना की शादी में करण मेहता के साथ शाहरुख खान के गाने पर डांस करते हुए दिखे थे। दोनों यस बॉस फिल्म के गाने आई एम द बेस्ट पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के लीड रोल वाली फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में रानी की दमदार एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में रानी मुखर्जी ने सागरिका चक्रवर्ती का रोल प्ले किया है जो नॉर्वे सरकार से अपने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती है। फिल्म की कहानी और रानी की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। हालांकि फिल्म को कलेक्शन के मामले में ओपनिंग डे पर बड़े नंबर्स हासिल नहीं हो पाए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने अपनी रिलीज के पहले दिन कितनी कमाई की है। खबरों की माने तो फिल्म अपने पहले दिन पर कोई खास नंबर हासिल नहीं कर पाई। आपको बता दें कि रानी की फिल्म के पहले दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि राइडिंग ऑन ग्लोइंग वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने डे एक पर मोमेंटम के रूप में प्रोग्रेस किया है। शुक्रवार को 1 करोड़ का बिजनेस और शनिवार रविवार का बिजनेस काफी अहम है। एक हेल्दी वीकेंड टोटल के लिए मल्टीफोल या जंप की जरूरत है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को आशिमा चुंबन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में नीना गुप्ता जिम सरब ने भी अहम रोल प्ले किया है। 95वें एकेडमी अवार्ड्स में एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर के सॉन्ग नाचू नाचू ने इतिहास रचते हुए ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया। वहीं इस गाने पर ऑस्कर के मंच पर लाइव परफॉर्मेंस भी हुई थी। हालांकि फिल्म के स्टार्स जूनियर एनटीआर और रामचरण ने स्टेज पर नाचू नाचू पर डांस परफॉर्मेंस नहीं दी थी। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान रामचरण ने इस पर बात की और बताया कि आखिर क्यों उन्होंने और जूनियर एनटीआर ने ऑस्कर के मंच पर नाचू नाचू पर लाइव डांस परफॉर्मेंस नहीं दी। बता दें कि कुछ खबरों की माने तो आरआरआर स्टार रामचरण से पूछा गया था कि उन्होंने नाचू नाचू पर डांस परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी। इस सवाल के जवाब में एक्टर ने कहा कि सच कहूं तो मैं भी इंतजार कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों हमें इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया। बावजूद इसके मैं इस बात से भी खुश हूं कि इस गाने पर ऑस्कर में परफॉर्मेंस हुई। तो ऐसी ही मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।